डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डॉक। लास्ट वीडियो लेक्चर जो था मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन के ऊपर था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके बाद पावर सिस्टम का था, फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन का दूसरा सीरीज लेकर के आए हैं। आज हम लोग 21 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसमें जो है हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, ठीक है सर, और ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। डिटेल के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड है, पिछला सारे वीडियो जो है ना उसको अच्छे से ऑब्जेक्टिव को लेकर कहीं थ्योरेटिकल पार्ट को भी कवर किया गया है। तो ये सिर्फ DFCCL का जो पेपर होने वाला है उसके लिए है। बस आपको क्या है कि फार्मूला रिवाइज हो चुका है, अब ये देखते चलना कि क्वेश्चन किस स्टेप से बनता है और हमारा पैटर्न क्या होता है, मेनली यही हमको देखते चलना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए और कमेंट करके ये बताइए कि वीडियो में जो है ना आपको क्या पसंद है और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि पावर सिस्टम पूरा ही कवर कर दूँ ऑब्जेक्टिव पेपर से, जैसे अभी तक मैं अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन कर दूँ तीन वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग चाहते हो तो मैं इसको 500 तक लेके चला जाऊँगा अभी टाइम है पेपर में, और यहाँ से जरूर आपको कुछ नहीं तो 40-50 क्वेश्चन जरूर ही आपको लगेगा कि पैटर्न सेम है या क्वेश्चन सेम आ गया, ठीक है, क्योंकि रिपीट तो होता ही है, आपको भी पता है, ये कोई मेरा नहीं है लॉजिक, सबको ही वैसे ही पढ़ाते हैं और रिपीट करता है, ठीक है। तो चलो शुरू से अंत तक देखते हैं एक बार क्या कह रहा था क्वेश्चन में। चलो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारा सर ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमारा क्या होता है। पहला ऑप्शन है इसेंशियल ए कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर, वेरिएबल स्पीड मोटर, वेरी कॉस्टली, नॉट ईजिली मेंटेनेबल। तो आप बताओ इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा, कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर होता है हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री फेज सप्लाई टू द स्टेटर ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज इनक्रीज देन सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड हमारा क्या होगा। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120 f/p, ठीक है, 120 f/p। क्या बोला है सर कि हमारा फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेगा तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा। तो देखो ns और p में हमारा क्या, ns और f में क्या रिलेशन है, ns बढ़ेगा तो f बढ़ेगा, तो ns भी हमारा बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है। इफ ns इज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग फ्लक्स एंड n इज द स्पीड ऑफ रोटर, देन द रेट एट विच द फ्लक्स कट द रोटर कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कभी कभी ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें हमारा ns माइनस n होता है। देखो इन सिंक्रोनस मशीन जब पढ़ोगे तो इसमें दो पार्ट होता है, स्टेटर रोटर। रोटर हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है, स्टेटर हमारा स्टेशनरी पार्ट होता है। तो हम लोग DC में ही पढ़े थे शुरुआत में, हमारा रोटेटिंग मशीन में यही दो कंसेप्ट पढ़े थे। उसके बाद हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, ये रोटर कंडक्टर को कट करता है, वहाँ से EMF इंड्यूस होता है, EMF के फिर हम लोग लोड लगाते हैं, करंट फ्लो होता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं इंडक्शन मोटर के अंदर, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर ही हमारा इंडक्शन मोटर वर्क करता है, यानी कि आप स्टेटर में सप्लाई दोगे, थ्री पे सप्लाई दोगे, यहाँ से RMF बनेगा, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करेगा सर, ये हमारा रोटर कंडक्टर को कट करेगा। रोटर कंडक्टर को कट करने से क्या होगा हमारा सर, कौन से लॉ से पता चलता है कि सर हमारा अगर फ्लक्स कट करता है कंडक्टर को तो हमारा EMF इंड्यूस होता है। फिर नॉर्मली जो प्रोसेस है, ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया था। चौथा देखो, इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर द रोटर स्पीड इज, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर का स्पीड क्या होता है। रोटर का स्पीड हमेशा जो है ना स्टेटर से कम होता है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से क्या होगा सर, हमेशा ये कम होगा। रोटर का स्पीड हमेशा क्या होगा, ns से कम होगा। ns हमारा क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड होता है, और रोटर का स्पीड क्या होगा, हमेशा ns से। रोटर का स्पीड अगर n है, ये रोटर स्पीड है, ये क्या होगा सर, ये हमेशा जो है ना ns से कम होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, इसमें क्या बोला है, व्हेन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज एट नो लोड द स्लिप का फॉर्मूला होता है ns माइनस n बाई ns, ठीक है। क्या बोला है कि व्हेन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन तो इसमें हमारा प्रैक्टिकली जीरो हो जाता है। देखो कैसे होता है, अगर हमारा बोला थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर नो लोड के ऊपर है तो स्लिप क्या होता है, नो लोड के ऊपर रोटर भी हमारा सिंक्रोनस स्पीड को टेंस कर जाएगा, ठीक है। जैसे सिंक्रोनस स्पीड को टेंस करेगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, स्लिप हमारा जीरो हो जाएगा, क्लियर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्लियरली, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग स्लिप का फॉर्मूला आप याद रखोगे, ns माइनस n बाई ns, नॉर्मली ये परसेंटेज में होता है, तो इसको लिखते हैं स्लिप परसेंट जो होता है ना, ns माइनस n बाई ns इंटू 100%। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, इसमें क्या बोला कि व्हेन द रोटर ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ब्लॉक्ड द स्लिप। रोटर ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, रोटर हमारा मूव नहीं कर रहा है, यानी कि n का वैल्यू जीरो होगा,
एनएस हमारा चलो था, स्लिप का फॉर्मूला क्या है, एनएस माइनस एन बाई एनएस यानी कि वन हो जाएगा। ठीक है, सिक्स का हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सिक्स का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेवन में देखो, द फुल लोड स्लिप ऑफ ए 3 पेज इंडक्शन मोटर रेंज फ्रॉम, देखो स्लिप का रेंज हमेशा याद रखो, स्लिप का रेंज हमारा क्या होता है सर, 2 से लेके 5% तक होता है हमेशा, यानी कि स्लिप का वैल्यू हमारा या तो 0.002 होगा, इससे 0.005 के बीच में हमेशा आपको मिलेगा स्लिप का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट देखो, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग ऑफ फील्ड इन ए 3 पेज इंडक्शन मोटर डिपेंड्स अपॉन, डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग ऑफ फील्ड यानी कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा बताना है आपको ऑप्शन पे, तो हमारा ये सप्लाई सीक्वेंस सॉरी फेज सीक्वेंस ऑफ सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 3 फेज वाउंड रोटर मोटर आर ऑल्सो कॉल्ड, 3 फेज वाउंड मोटर रोटर आर ऑल्सो कॉल्ड, वाउंड रोटर मोटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये इसको हम लोग स्लिप रिंग बोलते हैं, स्लिप रिंग बोलते हैं, स्लिप रिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग लोड साइड में क्या करते हैं, एक रजिस्टर और एक लोड यानी कि स्लिप रिंग हम लोग लगाते हैं, ये कैसे कंस्ट्रक्शन होता है जिसको पढ़ना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, द टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू डैट ऑफ, यानी कि टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा इंडक्शन मोटर का वो किसके तरह होगा, किसके तरह होगा, तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, डीसी शंट मोटर की तरह होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द मैक्सिमम वोल्टेज इज इंड्यूस इन द रोटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर वेन इट, मैक्सिमम वोल्टेज कब इंड्यूस होगा, देखो सर जो रोटर का मान लो ईएमएफ E2 है, तो ये हमारा एस इंटू E1 होता है। ठीक है, एस इंटू E1 होता है, यानी कि हमारा स्लिप जितना ही ज़्यादा होगा, स्लिप जितना ही ज़्यादा होगा हमारा क्या होगा, रोटर ईएमएफ ज़्यादा होगा, यानी कि आप क्या बोल सकते हो सर कि हमारा रोटर अगर नो लोड पे है तो हमारा स्लिप तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा क्या होगा सर बताओ, यहाँ पे अगर हमारा ब्लॉक्ड रहेगा यानी कि स्लिप का वैल्यू जब हमारा 1 रहेगा तब तो हमारा E2 क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा बोलो, यानी कि हमारा एस का वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम 1 ही हो सकता है ना, एस का वैल्यू मैक्सिमम 1 कब होगा, जब हमारा एन का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, बाकी अगर एन का वैल्यू कुछ भी लोगे तो हमारा स्लिप क्या हो जाएगा, घटे जाएगा, स्लिप अगर घटेगा तो E2 भी घटेगा, तो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हमारा क्या हो सकता है, रोटर ब्लॉक्ड रहे, एन का ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12 में देखो, द रिएक्टेंस ऑफ द रोटर सर्किट ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम एट, रिएक्टेंस हमारा मैक्सिमम कब होगा ये भी आपको ध्यान में रखना है, एट स्टार्टिंग, क्योंकि रिएक्टेंस हमारा स्लिप के ऊपर डिपेंड करता है सर, एस जब 1 होगा, एस मैक्सिमम होगा तभी तो हमारा हो पाएगा, बोलो एस मैक्सिमम होगा तभी तो हो पाएगा। क्लियर है, यहाँ पर एट स्टार्टिंग स्लिप का वैल्यू होता है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द रोटर करंट इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज, द रोटर करंट इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ठीक है 14 देखो, एट स्टार्टिंग रोटर रिएक्टेंस ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, एट स्टार्टिंग रोटर रिएक्टेंस क्या होता है सर, ऑप्शन सेट करेक्ट लार्ज एज कम्पेयर टू, ठीक है 15 देखो, बस हमको ऑप्शन रख के चलना है, व्हेन एन इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट फुल लोड, ठीक है रोटर रिएक्टेंस इज, ठीक है अगर हमारा इंडक्शन मोटर जो है ना फुल लोड के ऊपर रन कर रहा है तो ये हमारा अप्रॉक्स एन का वैल्यू जो है ना, ये मान लो जैसे अगर एन एस हमारा 1500 आरपीएम है तो एन का जो वैल्यू होगा वो 1450 इसी के आसपास रहेगा। ठीक है, यानी कि एक अप्रॉक्स एन एस के आसपास ही है ना, तो स्लिप हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कंपेरेबल टू रजिस्टर्ड रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 16 ना ये, चलो इफ द एयर गैप बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज, यानी कि हमारा रोटर और स्टेटर के बीच का जो एयर गैप है, ऐसा नहीं होता कंस्ट्रक्शन 3D में होता है, लेकिन मैं आइडिया दे रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो क्या बोलोगे कि आपका क्या होगा सर, आपका लीकेज रिएक्टेंस हमारा हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इफ द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इंक्रीज देन करंट इन द स्टेटर बाइंडिंग, करंट इन द स्टेटर बाइंडिंग, स्लिप अगर इंक्रीज करेगा तो करंट हमारा क्या होगा सर इंक्रीज, हम लोग पहले ही देखे थे करंट और स्लिप हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 18 देखो, द स्पीड ऑफ ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज चेंज्ड बाय, स्पीड कैसे चेंज होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 पोल चेंजिंग से भी हमारा स्पीड चेंज हो जाएगा, क्योंकि एन एस इक्वल टू क्या होता है नॉर्मली 120 f/p होता है, इस मेथड से भी आप याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर, एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर क्या होगा बोलिए, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 - s, ठीक है इसको हमेशा ध्यान में रखना है। 20 देखो, एन इंडक्शन मोटर इज सो कॉल्ड बिकॉज इट्स ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन, बोलो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर होता है। 21 देखो, द इंडक्शन मोटर हैज लैगिंग पावर फैक्टर ड्यूरिंग,
हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें स्टार्टिंग एंड ऑपरेशन दोनों में अलग ही पावर फैक्टर कितने ही वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना ऑब्जेक्ट ऑप्शन भी दिया हुआ, आप मैच करा सकते हो, क्लियर है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, इंडक्शन मोटर का हो गया और ट्रांसफार्मर का हो गया, ठीक है। पावर सिस्टम में भी हम जो भी बचा है उसको कवर करेंगे, मशीन में डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन का भी मैं लेकर के आऊँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते रहिए चैनल को और पसंद आने पर लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई नेक्स्ट वीडियो मेरे को बनाना है, नहीं तो अगर आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मेहनत का। लेकिन सब आप लोग के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। चलिए, थैंक यू।